इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि पिछले हफ्ते में अलग अलग मीडिया चैनल्स पर एंकर्स ने अपने शो में किन मुद्दों को तवज्जो दी। सबसे पहले देखते हैं कि एनडीटीवी के सीनियर पत्रकार रवीश कुमार ने किन मुद्दों को जरूरी समझा। पहला, पेट्रोल के दाम पर विपक्ष कहाँ है और जनता कहाँ है। दूसरा, क्या पेट्रोल का शतक आपको बेचैन नहीं कर रहा। तीसरा, जलवायु संकट समझने वाले महसूस कर रहे किसानों का दर्द। चौथा, भारत की छवि खराब करना एक नए किस्म का आरोप बन गया। पांचवा, किसान आंदोलन ने दिया खेती किसानी की दयनीय हालत पर मंथन का अवसर। रवीश अक्सर अपने शो के जरिए सरकार से सवाल करते हैं। इस बार उन्होंने आम जनता से जुड़े एक अहम मुद्दे को उठाया है, जो है पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें। उन्होंने इस मुद्दे पर अधिक जानकारी दी और सरकार से सवाल किए। जब भी दाम बढ़ते हैं ये पोस्टर निकल आता है, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज के विपक्ष का पोस्टर या उसके नारे पसंद नहीं आ रहे तो लोग उस समय के विपक्ष के पोस्टर से ही काम चलाने लगते हैं। अब तो 2014 की तुलना में रेट 20 रुपए से अधिक हो चुके हैं, लेकिन 2015 में जब दाम कम हुए थे तब प्रधानमंत्री ने इसे अपने नसीब से जोड़ दिया था। तब प्रधानमंत्री को नहीं पता था कि एक दिन 100 रुपया लीटर हो जाएगा। पेट्रोल सस्ता हो जाए इससे मतलब होना चाहिए, नसीब और बदनसीब से नहीं। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव नियमित रूप से पेट्रोल की कीमतों को लेकर ट्वीट करते रहते हैं और बयान देते हैं। राहुल गांधी 1 जनवरी से लेकर अब तक इस मसले पर 8 बार ट्वीट कर चुके हैं। इसके बाद भी सारा कसूर आज के विपक्ष का है। इस लिहाज से बीजेपी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि कहां है विपक्ष, आप क्यों नहीं पेट्रोल डीजल के दाम का विरोध करते हैं। अब बात करते हैं News24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, क्या आंदोलन से देश को बदनाम कर रहे हैं किसान। दूसरा, कब तक बढ़ते रहेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। तीसरा, किसान आंदोलन के बीच गन्ना किसान क्यों है परेशान। चौथा, क्या आंदोलन का टूलकिट देशद्रोह है। पांचवा, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, रसोई में लगी आग को कैसे बुझाएगी सरकार। संदीप चौधरी अक्सर अपनी डिबेट में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं और सरकार के नेताओं से तीखे सवाल करते हैं। इस पर उन्होंने पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर डिबेट की और भाजपा नेता से तीखे सवाल भी किए। जब 73-74 रुपए पहुंचा और $110 पर बैरल कीमत थी, 2012 की बता रहा हूं, तो स्मृति ईरानी कहती थी ये सत्ता की हेकड़ी है। सुषमा स्वराज अब हमारे बीच में नहीं है, वो कहती थी असंवेदनशील सरकार है। तो आज की सरकार को क्या कहेंगे? नहीं, हम देखो इसको राजनीति से थोड़ा सा अभी थोड़ी देर के लिए दूर करते हैं। अच्छा, पेट्रोल की प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं? उस पे जाइए ना पहले। कांग्रेस से तब भी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती थी, हम लोग आए तो कोई पेट्रोल की प्राइसेस एक्साइज ड्यूटी 32.90 रुपए 2014 से 11 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा चुकी है। पिछले साल तो कमाल ही कर दिया था, 11 और 13 रुपए बढ़ा दी गई, 2 बार एक्साइज ड्यूटी घटी। पेट्रोल के दाम $30 से भी नीचे चले गए कच्चे तेल के, तब भी देना हमें उतना ही पड़ा। घटे तो भी कोई फायदा नहीं, बढ़े तो जाहिर सी बात है हम बलि के बकरे हैं। आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे पक्ष को भी तो देखोगे। अब बात करते हैं उस मीडिया की जो सरकार की चाटुकारिता करने में व्यस्त है। पहले बात करते हैं News24 के वरिष्ठ पत्रकार रमेश देवगन की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, PFI देश विरोधी तो आजाद क्यों, PFI का प्लान हिंदू संगठनों पर वार। दूसरा, हिंदुओं के खिलाफ रिहाना का प्रयोग, किसान महाना भारत निशाना। तीसरा, हिंसा का टूल विपक्ष को कबूल, लब आजाद सियासत आबाद। चौथा, न्यू इंडिया का दम, LSE पर चीनी कम। पांचवा, हंगामा मचाओ भ्रमजाल बचाओ, न खेलब न खेलन देब। अमीश अक्सर कई अलग अलग मुद्दों पर डिबेट करते हैं, इस पर वे हिंदुओं से जुड़े मुद्दों पर डिबेट करते नजर आए। देखते हैं वे इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। उनके नाम हैं अंसाद बदरुद्दीन और फिरोज खान। ये दोनों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI से जुड़े हैं। आरोप है कि बसंत पंचमी के दिन जब पूरा देश आस्था में डूबा था, तब ये दोनों कुछ हिंदू संगठनों के लोगों पर हमले की तैयारी कर चुके थे। हालांकि समय रहते उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इन्हें दबोच लिया और इनका देश विरोधी मंसूबा पूरी तरह से फेल हो गया। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है। 2012 में खुद कांग्रेस की तत्कालीन केरल सरकार ने कहा कि
ये संगठन सिमी का ही नया रूप है। ये बात वहां की सरकार ने केरल हाईकोर्ट पे कही। ये भी कहा गया कि इस संगठन के लोग हत्या करते हैं, सांप्रदायिक दंगे भड़काते हैं। सवाल यह है कि आखिर देश में ऐसा कोई संगठन सक्रिय क्यों है, कैसे है? अब बात करते हैं न्यूज नेशन के पत्रकार दीपक चौरसिया की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जरूरी समझा। पहला, चुनाव से पहले बंगाल में क्यों है तनाव? दूसरा, कट्टरपंथियों के खिलाफ क्या है नई फ्रांसीसी नीति? तीसरा, इतिहास रचने वाले इतिहास में गुमनाम क्यों? चौथा, दिशा गिरफ्तार, निकिता शांतनु का नंबर कब? पांचवा, बंगाल में बवाल और जय श्री राम। दीपक चौरसिया की डिबेट हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों पर ही फोकस करती दिखाई देती है। वे बंगाल में चुनावों को लेकर काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वे इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, देखिए। बंगाल की राजनीति में मुद्दों और शब्दों की बौछार तो एक तरफ है, मगर इन सबके बीच बम धमाकों और खून खराबे वाली सियासी हिंसा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चाहे वो सूबे के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला हो या फिर शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर पथराव हो, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बंगाल के दौरे में गृह मंत्री अमित शाह राजनीतिक हिंसा पर खूब गरजे। उन्होंने कहा कि यह हिंसा बंद होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। लोकतंत्र में गणतंत्र को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो ममता बनर्जी यह आरोप लगा रही है कि गहरी साजिश के तहत उनके मंत्री को निशाना बनाया गया। असल मीडिया और गोदी मीडिया में फर्क हम आपको दिखाते रहेंगे। अब इन दोनों में से आपको किसको चुनना है, इसका चुनाव आपको करना है। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।